तो गाइस आज हम अ ग्रेट पर्सनालिटी ऑफ इंडिया द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर की बायोग्राफी को कवर करेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इनका पूरा नाम जो था वो था अबुल पाकिर जनाबलुद्दीन अब्दुल कलाम, और इनका जो बर्थ है वो हुआ था 15 अक्टूबर 1931 को, और इनकी डेथ जो है वो 27 जुलाई 2015 को हो गई थी। वो एक सेल्फ मेड मैन थे, और इनके बारे में बोला जाता है कि इनका कभी कोई हेटर नहीं रहा। ही वॉज ऑलवेज अ मैन विद ज़ीरो हेटर्स। अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन APJ अब्दुल कलाम वॉज अ साइंटिस्ट एंड इंजीनियर हु सर्व एज द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 2002 to 2007। अब्दुल कलाम जो एक साइंटिस्ट भी थे और इंजीनियर भी थे, और इन्होंने ये इंडिया के प्रेसिडेंट रहे हैं फ्रॉम ईयर 2002 to 2007। ही इज़ अ मैन ऑफ विजन हु इज़ ऑलवेज फुल ऑफ आइडियाज़ एम्ड एट द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एंड इज़ ऑफन ऑल्सो रेफर टू एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ये हमेशा इन्होंने कंट्री के डेवलपमेंट को ही एम बना के काम किया है, और इसलिए इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। पीपल लव्ड एंड रेस्पेक्टेड हिम सो मच ड्यूरिंग हिज टेन्योर एज प्रेसिडेंट दैट वाज पॉपुलरली कॉल्ड द पीपल्स प्रेसिडेंट। लोग जो है इनको बहुत प्यार और इनकी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, और जब ये प्रेसिडेंट भी थे इनके पूरे प्रेसिडेंसी का जो टेन्योर था, जो टाइम था 2002 to 2007, उसे पीपल्स प्रेसिडेंट कहा गया कि ये लोगों के प्रेसिडेंट है, जनता के प्रेसिडेंट है। इनके वर्क को देखते हुए ये सिर्फ एक सिर्फ इंजीनियर और साइंटिस्ट तो थे ही, उसके साथ साथ ये ऑथर, प्रोफेसर, इंजीनियर, प्रेसिडेंट, और सबसे बड़ी बात ये एक गुड ह्यूमन बीइंग थे। जी हाँ, इनके अच्छे नेचर के लिए भी ये काफ़ी जाने जाते हैं, और लोग इनको काफ़ी पसंद भी करते हैं। ये आप यहाँ पर इनकी चाइल्डहुड पिक्चर देख सकते हैं। ये इनकी मम्मी है, ये इनके पापा है, और साथ में इनके भाई बहन बैठे हुए हैं, और ये अब्दुल कलाम सर है। ये वीडियो में पिक्चर में ही देख सकते हैं आप बचपन में कितने क्यूट बच्चे थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम फादर, जो इनके फादर का नाम था जैनुलाब्दीन, वो एक बोट ओनर थे एंड इमाम ऑफ ए लोकल मॉस्क। वो एक बोट ओनर थे और एक लोकल जो मस्जिद थी उसके इमाम भी थे, एंड हिज मदर अशी अम्मा वो एक हाउसवाइफ थी। कलाम वाज द यंगेस्ट ऑफ फोर ब्रदर्स एंड वन सिस्टर इन हिज फैमिली। उनके फोर ब्रदर थे और एक सिस्टर थी, और उसमें यंगेस्ट से इनका जन्म रामेश्वरम तमिलनाडु के अंदर हुआ था। ये एक साउथ इंडियन थे, और अगर इनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो ये हमेशा अनमैरिड रहे, इनकी शादी नहीं हुई। एजुकेशन की बात करते हैं। ही कम्प्लीटेड हिज एजुकेशन एट द स्वाज हायर सेकेंडरी स्कूल रमनाथपुरम, वहाँ से इन्होंने अपनी एजुकेशन कम्प्लीट की थी। ही ग्रेजुएटेड इन फिज़िक्स इन 1954 फ्रॉम सेंट जोसेफ्स कॉलेज तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में। वहीं से इन्होंने फिज़िक्स में ग्रेजुएशन किया था 1954 में सेंट जोसेफ्स कॉलेज से। इन 1955 टू स्टडी एरोस्पेस इंजीनियरिंग इन मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। 1955 में इन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए ये मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में गए। इन ऑर्डर टू ऐड टू द फैमिलीज इनकम कलाम हैड टू सेल न्यूज़पेपर ड्यूरिंग हिज अर्ली ईयर्स। इनके फैमिली की जो इनकम थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, इनका फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था कि इनके पापा या इनकी फैमिली इन्हें पैसे देकर हायर एजुकेशन तक पहुँचाए, इनके एजुकेशन कम्प्लीट कराए। इसलिए अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए अब्दुल कलाम ने खुद भी पैसे कमाए जब ये छोटे थे, तो इन्होंने न्यूज़पेपर बेचने का काम किया। और ये काफ़ी फेमस स्टोरी है इनके बारे में कि एक न्यूज़पेपर बेचने वाला कैसे देश का प्रेसिडेंट बन गया, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एन एवरेज स्टूडेंट ड्यूरिंग हिज स्कूल बट पोजेस्ड ए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू लर्न एंड वाज वेरी हार्ड वर्किंग। ये अपने स्कूल टाइम में एवरेज स्टूडेंट रहे थे, हम ये नहीं बोल सकते कि शुरू से ही अब्दुल कलाम सर ब्रिलियंट थे, इनका माइंड बहुत शार्प था, ऐसा कुछ नहीं था। ये एवरेज स्टूडेंट थे, बट फिर भी
इनके अंदर चीज़ों को सीखने की बहुत ज़्यादा इच्छा थी और ये बहुत हार्ड वर्किंग भी थे। वॉन्टेड टू बिकम ए फाइटर पायलट बट हिज ड्रीम कुड नॉट फुलफिल्ड एज देयर वर ओनली 8 पोजिशन अवेलेबल इन द IAF एंड ही सिक्योर द 9th प्लेस। ये एक फाइटर पायलट बनना चाहते थे बट जो इन्होंने एग्ज़ाम दिया उसके अंदर इनका 9th प्लेस आया और पहले जो 8 लोग थे इतनी सीट अवेलेबल थी तो वो लोग बन गए, ये जो है वो एक सीट से रह गए और ये अपना ड्रीम जो है वो पूरा नहीं कर पाए। बट एक हार्ड वर्किंग पर्सन जिसको सीखने की लगन होती है वो कभी पीछे नहीं रहता, ये आप इनके जीवन से सीख सकते हैं। बात करें वर्क के एक्सपीरियंस की तो इन्होंने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के अंदर काफ़ी वर्क किया है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO के अंदर रह के भी इन्होंने काफ़ी वर्क किया है और ये तो हमने पढ़ाया है कि इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। स्ट्रगल की बात करें तो जब लॉन्चिंग SLV-3 जब लॉन्च हुआ था फर्स्ट टाइम तो उसके अंदर फेल हो गए थे। ही ओन द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फेलियर ऑफ प्रोजेक्ट, इन्होंने रेस्पॉन्सिबिलिटी ली प्रोजेक्ट के फेल होने की और ये यही इनके चीज़ें इनके व्यक्तित्व को महान बनाती है, क्योंकि एक अच्छा लीडर जब भी कोई काम सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए तो वो अपनी टीम को उसका क्रेडिट देता है और जब भी कोई काम में वो फेल हो जाए तो वो आगे आके खुद वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। तो यही अब्दुल कलाम सर ने किया था जब SLV-3 जो है वो प्रोजेक्ट फेल हो गया था, बट फाइनली ही अचीव्ड सक्सेस इन द नेक्स्ट टाइम, क्योंकि हमें पता है कि इनकी ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग थे तो लास्ट में अगले टर्न में इन्होंने सक्सेस हासिल की और ये सक्सेस हासिल करते ही। आगे बात करें प्रेसिडेंसी की, ही बिकेम द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 25th जुलाई 2002। ये भारत के 11वें राष्ट्रपति थे और ये 25 जुलाई 2002 को राष्ट्रपति बने थे और इन्होंने 25 जुलाई 2007 तक इन पूरे 5 साल तक अपना जो है वो राष्ट्रपति रहते हुए काम किया। कलाम सर्वड एज द 11th प्रेसिडेंट एंड इलेक्टोरियल वोट ऑफ 922884, ये सब इन वोट्स के साथ वो 11th प्रेसिडेंट बने थे। ही नोन एज पीपल्स प्रेसिडेंट, ये हमने पढ़ाई है। ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट साइंटिस्ट एंड फर्स्ट बैचलर ऑफ ऑक्यूपाई राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन को ऑक्यूपाई करने वाले भी वो पहले साइंटिस्ट और पहले बैचलर थे। इसलिए हम देख सकते हैं कि जीवन की काफ़ी चीज़ें हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशनल हैं। इन्वेंशन की बात करें तो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 ये इन्होंने इन्वेंट किया, प्रोजेक्ट डेविल, प्रोजेक्ट वैलियंट ये इन्होंने बनाया, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV एंड SLV-3 प्रोजेक्ट्स इनमें इनका काफ़ी योगदान रहा, अग्नि और पृथ्वी मिसाइल्स ये भी इनके द्वारा ही बनाई गई थी। ये हमने आगे पहले पढ़ा था कि ये काफ़ी अच्छे ऑथर भी रहे हैं, इसलिए इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी है जिनमें से कुछ हमने यहाँ पे सेलेक्ट किए, जैसे इंडिया 2020 है, विज़न फॉर द न्यू मिलेनियम ये इन्होंने लिखी, विंग्स ऑफ फायर जो इनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी थी, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है कि विंग्स ऑफ फायर किसकी ऑटोग्राफी है, इसको किसने लिखा है। इग्नाइटेड माइंड, अनलीजिंग द पावर विद इन इंडिया ये भी इनकी फेमस बुक थी, द ल्यूमिनस स्पार्क्स अ बायोग्राफी इन वर्ड्स एंड कलर्स, गाइडिंग सोल्स, मिशन ऑफ इंडिया, इंस्पिरेशनल थॉट क्वोटेशन सीरीज, ये बुक भी इन्होंने लिखी थी। यहाँ पे आप इनके पब्लिश्ड ईयर भी देख सकते हैं। अब बात करें, इतनी महान पर्सनैलिटी है तो इनके पास इतने अवार्ड्स इन्होंने जीते, उनकी बात करते हैं तो इन्हें 1981 में पद्म भूषण अवार्ड मिला और ये मैक्सिमम अवार्ड इन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिए और बाहर भी ये गए वहाँ भी इन्हें काफ़ी अवार्ड्स मिले हैं, पद्म विभूषण इन्हें मिल चुका है, डिस्टिंग्विश्ड फेलो इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर इंडिया इन्होंने इनको अवार्ड दिया, भारत रत्न इन्हें मिल चुका है, इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन इन्हें मिल चुका है, वीर सावरकर अवार्ड मिल चुका है, रामानुजन अवार्ड मिल चुका है, ऑनरी डॉक्टरेट इन साइंस जो यूनिवर्सिटी ऑफ वोल्वरहैम्पटन जो कि UK में है उन्होंने इनको ये अवार्ड दिया था, ऐसे ही कार्गी मेलोन यूनिवर्सिटी से भी इन्हें अवार्ड मिल चुका है, ओकलैंड यूनिवर्सिटी से भी अवार्ड मिल चुका है, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी
यूएसए से भी इनको अवार्ड्स मिल चुका है। यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू से भी इन्होंने डॉक्टर ऑफ इंजीनियरिंग का अवार्ड मिल चुका है। IEEE से भी इन्हें ऑनरो मेंबरशिप मिल चुकी है। तो ये इनके अवार्ड्स और अचीवमेंट्स हमने देखे। अब बात करते हैं हम इनकी डेथ की। तो ऑन 27 जुलाई 2015 कलाम ट्रेवल टू शिलोंग टू डिलीवर ए लेक्चर ऑन क्रिएटिंग ए लाइबल प्लानट अर्थ एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग, जो IIM शिलोंग है वहाँ पर कलाम जो है वो एक लेक्चर को डिलीवर करने के लिए गए हुए थे जिसकी थीम थी क्रिएटिंग ए लाइबल प्लानट अर्थ। वहीं पर इनकी डेथ हुई। एट अराउंड 6:35 PM IST ओनली 5 मिनट्स इन टू हिज लेक्चर ही कोलैप्स्ड। ही वॉज रश टू द नियर बाई बेथनी हॉस्पिटल इन ए क्रिटिकल कंडीशन। अपॉन अराइवल ही लैक्ड अ पल्स और एनी अदर साइन ऑफ लाइफ। जब उनके लेक्चर में बस 5 ही मिनट हुई थी तभी वो थोड़ा परेशान हो गए थे और वो ज़मीन पर बैठ गए थे। उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। जब उन्हें हॉस्पिटल में ले जाया गया तभी उनकी डेथ हो गई। डिस्पाइट बींग प्लेस्ड इन द इंटेंसिव केयर यूनिट कलाम वॉज कन्फर्म डेड ऑफ ए सडन कार्डिक अरेस्ट एट 7:45 PM IST। वहीं पर जाते उनको डॉक्टर ने इंटेंसिव केयर यूनिट में प्लेस करने के बजाय उन्हें डेड कन्फर्म कर दिया क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी थी। कार्डिक अरेस्ट उनकी डेथ का रीज़न माना जाता है। हिज लास्ट वर्ड टू हिज असाइड श्रीजन पाल सिंह वर रिपोर्टेडली, उनके जो लास्ट वर्ड थे जो उनके श्रीजन पाल सिंह जो उनके साथ थे उन्होंने उनको कहे थे वो थे फनी गाय आर यू डूइंग वेल। ये उनके लास्ट वर्ड थे जब उनकी डेथ हुई। और इनके काफ़ी फेमस कोट्स कोटेशंस भी रहे हैं क्योंकि हमने पढ़ाया है इनकी एक बुक भी आई पूरी कोट्स को लेकर। तो यहाँ पे कुछ कोट्स है जैसे यू हैव टू ड्रीम बिफोर द ड्रीम कम्स ट्रू, आपको पहले सपने देखने पड़ेंगे, सपने सच करने से पहले आपको सपने देखने पड़ेंगे। द बर्ड इज़ पावर्ड बाई इट्स ओन लाइफ एंड बाई इट्स मोटिवेशन। वन बेस्ट बुक इज़ इक्वल टू 100 good friends बट 1 good friend इज़ इक्वल टू अ लाइब्रेरी। ये कुछ बातें इन्होंने काफ़ी अच्छी कही है। जैसे ये की है कि आई एम नॉट ए हैंडसम गाय बट आई गिव माई हैंड टू सम वन हु नीड्स हेल्प, ब्यूटी इज़ इन द हार्ट नॉट इन द फेस। ये काफ़ी फेमस कोट्स इनके रहे हैं। यस कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर, यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स एंड श्योरली योर हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर। आप अपना फ्यूचर चेंज नहीं कर सकते पर आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं और अगर आपकी आदतें बदली तो आपका फ्यूचर भी बदल सकता है। ये काफ़ी इंस्पिरेशनल थिंग्स सीन के बारे में जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।